सवाल करने से मैं जी सद के आप बड़े खुल के गल कर। देखो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, गल आप ना किसानी की है, इस मुद्दे से असी किसानों के नाल खलोते हैं और थोनू इस गल च ना लड़ाई दिल्ली नाल आपस से इतने एक तरह उलझी जावे ना, ये कुछ ना कि फिर गल आ रही है कि पॉलिटिक्स। मेरी बेनती सुनियो ना, बेनती सुनियो, मौजूदा सरकार ने आपके चोन मैनीफेस्टो च वादे किए कि जिन्हें किसान खुदकुशी करने वाले परिवारों को 10 लाख देवांगे दिते, कोई नहीं पुछता। नहीं एक बेनती सुन लो, दूजे उन्होंने कहा कि एक नौकरी देवांगे, अज तक कोई पुछता जी? आप जब आप ना इस मुद्दों पर पै जाएंगे, मैं कहना थोड़ा हक है तुम जिहड़ी मर्जी पुछ सकते। अज लड़ाई सिर्फ तो सिर्फ काले कानूनों की है, जिहड़ा वड्डा मुद्दा असी उस काले कानूनों के खिलाफ उस लड़ाई से थोड़े नाल है और अस्तीफा दे के अपना ठोक के स्पष्ट किया रोल। अमरीका सोनिया गांधी राहुल गांधी वांगू अमरीका नहीं चले गए और अज ट्रैक्टर चलाते फिरते हैं, इसलिए कृपा करके आपस च ना इस तरह ना करिए। देखो वोटा आनी है, वोट का थोड़ा अधिकार है, साढ़े च नहीं, चलो साढ़े च कोई कमी पेशी हो, कुछ त्रुटि हो, तुसी भी बख्शन हार हो, परमात्मा भी बख्शन है। मैं तो इन बेनती करदा ना, आपा गल नु निबेड़िया, मैं तो जो मैं बहुत धन्यवाद जा के भी सिर्फ करन कर कर चल पा दे कर मैं कोई सवाल कर कर कोई ता ना ता साडा कोई ए विरोध है कि असि थानू रजिस्टर करना है, समय नहीं मिलते थोड़े तक पहुँचने, ये बेचारा ने बैठ के करने वाली सुनो मेरी दूजी गल। किसान संयुक्त मोर्चे ने फैसला दिता कि पहले बीजेपी का विरोध किया जाए तो बाकी सारे खुली छुट्टी दी जाए, उत्थे राजेवाल साहब जिहड़े ने बैठ के कैप्टन का मूँह मिठा करा के कैप्टन की हमायत से खड़े ने। मैं गल स्पष्ट कर, 360 रुपये रेट जिहड़ा एक विखावा है, एक मुद्दा है। 325 रुपये रेट पहला सी, 5 रुपये केंद्र ने देता, 30 रुपये रेट पहला आ चुका सी। जिहड़ा उत्थे बेसन खवाया गया वो उत्थों का सेक्रेटरीएट का बेसन ही सी, जिहड़ा मौके ते ही उन्होंने प्लान करके मिठा कराया। मैं हुण जे दसदा किहदे घर च मुक्की सी, तुहानू वी पता इक इंडस्ट्रियलिस्ट दे घर च मुक्की और ये ड्रामा रचे गया सारे सामने। चलो मैं नहीं उस गल च जाना, किसानी दे हक च बयान दिता, ओनू पार्टी चो कढ़ता, जिन्हों पार्टी च कढ़ता उन्हें किसे पार्टी च जाना सी, ते जे किसानी दे हक च बोलिया तो वह साडे नाल आ गया तो वह गलत हो गया जी। हुण तां पार्टी कहिंदी, एक मेरी बेनती सुनियो, नहीं बेनती सुनो, एक मेरी बेनती सुनो, जिन्हों किसी पार्टी चो ही कढ़ता और क्यों कढ़िया, अखबार च खबर छपी क्योंकि उन्हें किसानी मुद्दों के हक च बोलिया। और तीजी गल, दिल्ली सारे केस मनजिंदर सिंह सरसा जी, श्रोमणी अकाली दल ने सारे केस लड़े, एक एक की बेल जाके मनजिंदर सो आप करवा रहा, तो सरनक सरने की मदद कौन करता सी? कांग्रेस एडवाइजर है कैप्टन साहब का, पंजाब पुलिस गई वो मदद ली, उत्थे आपने वो मदद की, भाजपा ने जागो पार्टी की की, वो सारी चीज़ा क्यों सिरसे नूं हराउण लई होए, उत्थे क्यों नहीं जागो पार्टी का कोई कैंडीडेट चज्जदा, कौन गया प्रचार लई उहदे लई? सारिया ने रल के मनजिंदर नूं सिर्फ इसलिए हराया कि उन्हें किसानी संघर्ष के जेड़े अंदर दिते सी उन्हां दी जमानत कराइया, जाके उत्थे लंगर सेवा जो ड्यूटी बनती सी, ड्यूटी बनती सी वो ड्यूटी निभाई, अज उन्हूं जाके इसलिए सारे इकट्ठे होकर रोण लग पे। मेरा कहन दा भाव है भैन जी, असी भी भुलण हार हाँ, साढ़े तो कोई एक अद्धी गलती हो ही होनी, असी उन्हूं सुधारदियां होया ही असी आपका 30 साल का रिश्ता तोड़ता, मगर असी ठोक के दोगली गल नहीं कर रहे, उत्ते बाद ठोक के एक तरफा ही खलोते हैं और पा भी गल कढ़ियो, जिहड़ा बिल इत्थे पास होए विधानसभा च, जिस दिन विधानसभा आए मैं कला बंदा सी, रिकॉर्ड की गल है, मैं रिकॉर्ड पेश करूँ, जिन्हें उठ के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इह गल कही कांग्रेस नूं कि 117 च थोड़ा बहुमत है, तुसीं जो मर्जी पास करा सकते हो, मगर असी जो मर्जी पास नहीं कराउण आए, असी शोध कराउण वास्ते नहीं आए, असी इसलिए इकट्ठे होए हैं कि काले कानून रद्द होने चाहिए। मगर मैं इन्हां नूं कहा अज का दिन पा लो, सारी किसान यूनियन नूं सारे किसानों नूं दिखा लो, जे वह सहमत है तो सवेरे आपां पास कर देंगे। बेविश्वासी की दो बंदी उल्ट सी, 115 तां इकट्ठे आ, नहीं जल्दबाजी की उन्हूं करता, तो अज की होया जी? मैनूं पहला ही पता सी कि गवर्नर ने तो करना ही कुछ नहीं, गवर्नर शोध कर ही नहीं सकता, जिहड़ी चीज़ ते राष्ट्रपति ने घुग्गी मारती वो ये किवें कर दू? राष्ट्रपति कोल कौन टाइम लैके गया कि ना साइन करो? फिर श्रोमणी अकाली दल ते दूजे MP गए, ऐतकी भी जो दिल्ली च 30 दिन पार्लीमेंट चलिया भैन जी तां कल्ले सी,
ਇਕੱਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ JPC ਬਣਾਓ, ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਓ, ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ MPਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ